नमस्कार। ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास की योजनाओं से रूबरू कराने के उद्देश्य से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये कार्यक्रम चौपाल चर्चा। आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लाए हैं विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की दास्तान। ये सफलता की कहानियाँ राह दिखाएंगी उन ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जो विभिन्न समस्याओं से जूझ रही हैं और आगे बढ़ने के लिए राह तलाश रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट पर बहुत ध्यान दिया है और जब बात ग्रामीण क्षेत्रों की हो तो इसका महत्व कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। स्किल डेवलपमेंट युवाओं और महिलाओं की राह और भी ज़्यादा आसान कर देता है। स्किल डेवलपमेंट के जरिए महिलाओं को और भी सशक्त बनाने की कहानियाँ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो आइए देखते हैं सफलता की कुछ कहानियाँ। ये दास्तान नारी की है, नारी जो अपने अतीत में सदियों से अबला बनकर जीती रही, मगर आज कहानी बदल चुकी है। आज की नारी अबला से सबला बन चुकी है। कभी घर की चार दीवारी के अंदर रहने वाली नारी विकास पथ पर एक नई उड़ान भर रही है। हाँ, बदलते समय में आज की नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। नारी जीवन के कर्म क्षेत्र में लगातार आगे बढ़े, इसी मकसद से भारत सरकार राज्य ग्राम विकास संस्थानों में इनके लिए अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। कोशिश यही है कि नारी के बढ़ते कदम रुके नहीं और उसकी जिंदगी किसी पर निर्भर ना रहे। नारी ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो, साथ ही अपने घर परिवार को भी आर्थिक मजबूती दे सके और समाज में अपनी अलग जगह बना सके। असम राज्य में चलाए जा रहे ग्राम विकास संस्थानों ने लोगों को हुनर सीखने का जरिया तो दिया ही है, साथ ही साथ इन संस्थानों के अधिकारी गांव-गांव में जाकर ग्रामीण युवतियों को संस्थान में प्रशिक्षण के लिए प्रेरित भी करते हैं। ये इन्हीं की कोशिशों का परिणाम है कि आज यहाँ की ग्रामीण महिलाएं न केवल सजग हैं, बल्कि पुरानी मान्यताओं को तोड़ते हुए विभिन्न कार्यों के लिए प्रशिक्षण भी हासिल कर रही हैं। ये यकीनन स्थिति में आए बदलाव का एक प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जा सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाने की मुहिम गुवाहाटी के कई कुचि केंद्र में भी चलाई जा रही है, जिससे यहाँ की महिलाओं को आय का एक निश्चित जरिया मिल सके। राज्य ग्राम विकास संस्थान के इस केंद्र में महिलाओं को कपड़ा बनाने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाती है, कैसे धागा तैयार होता है और कैसे धागे को इस्तेमाल करके इसे कपड़े का रूप देकर बाजार में बेचा जा सकता है। इसका पूरा प्रशिक्षण इन महिलाओं को दिया जाता है। हम लोग का हैंडलूम ट्रेनिंग यूनिट है, तो यहाँ पे ट्रेनीज दूसरा डिस्ट्रिक्ट से आता है। अभी हम लोग का दो ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे। ट्रेनिंग सब स्टेजेस में होता है, हम लोग बैचेस बना देते हैं। 30 दिनों के इस प्रशिक्षण के लिए लाभार्थी का चयन सरकारी अफसरों द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान सबसे पहले इन्हें सूती धागे की मदद से रेशम का धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद इन्हें इस धागे को केमिकल और प्राकृतिक वस्तुओं जैसे चाय पत्ती, मेहंदी, मंजस्टा और हाडा की मदद से धागों को रंगने की कला सिखाई जाती है, जिससे अलग अलग रंग के धागे तैयार कर सकें। धागे को रंगे जाने के बाद इसे लूम में ले जाकर कैसे मशीन पर चढ़ाया जाता है, इसकी पूरी तकनीक लाभार्थियों को सिखाई जाती है। इसके बाद कपड़ा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये ट्रेनी महिलाएं कपड़ा बनाने की बारीकियां सीखने के साथ साथ कपड़े के अलग अलग डिजाइन की जानकारी भी हासिल करती हैं। आमतौर पर घर का काम करने वाली ये महिलाएं रंगों के तालमेल के बारे में सही से नहीं जानती हैं। इसलिए उन्हें इसकी पूरी जानकारी दी जाती है कि किस कपड़े में किस तरह के रंग इस्तेमाल करें। कपड़ा तैयार होने के बाद इन्हें पैटर्न मेकिंग के काम की जानकारी दी जाती है और फिर कपड़ा कैसे सिला जाए इसका प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सिलाई का कार्य सीखते हुए ये युवतियां ब्लाउज, सलवार कमीज आदि विभिन्न वस्त्र सिलने की ट्रेनिंग लेती हैं। मशीन कैसे चलाते हैं, कैसे स्पीड कंट्रोल करते हैं,
अभी नहीं ये सिखा रही हूँ, और इसके बाद पैटर्न तैयार करना सिखाऊंगी। पैटर्न बनाना सीखने के बाद ये महिलाएं जान जाएंगी कि पैटर्न तैयार होने के बाद सलवार कमीज, ब्लाउज, पेटीकोट आदि की कटाई करना एकदम आसान हो जाता है। पैटर्न मेकिंग में काम आने वाले औजार भी इन्हें राज्य ग्राम विकास संस्थान द्वारा दिए जाते हैं, जिन्हें ये प्रशिक्षण खत्म होने के बाद आगे काम करने के लिए अपने घर ले जा सकती हैं। प्रशिक्षण हासिल करने के बाद इन महिलाओं को काम के लिए सिलाई मशीनों की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए इन्हें राज्य ग्राम विकास संस्थाओं द्वारा बैंक से लोन भी दिलाया जाता है, जिससे प्रशिक्षण के बाद इन्हें काम करने में कठिनाई ना आए। यहाँ ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। हम लोगों ने लोन के लिए भी अप्लाई किया है। SIRD में लोन जब सैंक्शन हो जाएगा तो हम आगे काम करने के लिए जरूरत की सिलाई मशीनें ले पाएंगी। यहाँ मिली ट्रेनिंग हमारे बहुत काम आएगी। मैं अपना काम करना चाहती हूँ, अपनी मेहनत से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। यहाँ ट्रेनिंग ले रही सभी युवतियाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। कपड़ों को अलग अलग रूप देने के बाद जरूरी होता है उसको सही ढंग से पैक करने का, जिससे कपड़ा सही ढंग से ग्राहक के पास पहुँच सके। कपड़े की पैकिंग कैसे की जाए और उसे कैसे और कहां बेचा जाए, इसके लिए मार्केट सेक्शन में ट्रेनीज को कपड़े की पैकिंग और सेल्समैनशिप के बारे में बताया जाता है, ताकि वो बाद में अपने कार्य में कामयाब रहें। 30 दिन चलने वाले इस प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को कपड़े से विभिन्न वस्त्र बनाना आ जाता है। अगर कोई युवती इससे भी और अधिक सीखना चाहती है तो उसे राज्य ग्राम विकास संस्थान द्वारा जरूरत के मुताबिक दूसरे संस्थानों में भेजा जाता है। राज्य ग्राम विकास संस्थान में मिले प्रशिक्षण से महिलाओं में हुनर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ उनमें आत्मविश्वास की बढ़ोतरी भी होती है। अब काम सीखने के बाद वो बाहर काम करके अधिक आमदनी कर पाएंगी। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद इन महिलाओं ने गांव में काम करना शुरू तो किया ही है, साथ ही उनके द्वारा बनाई वस्तुएं विभिन्न प्रदर्शनियों का भी हिस्सा बन रही हैं। ट्रेड फेयर्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, मेलास में अच्छा इनकम भी होता है, क्योंकि कई कई जगह में प्राइसिंग का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। इस राज्य ग्राम विकास संस्थान ने उन युवतियों के हाथों में हुनर दिया है जो कभी आगे बढ़ने की राहें तलाश रही थी। अब अपने इसी हुनर से वो जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकती हैं और अपना और परिवार का भविष्य संवार सकती हैं। ये सरकार की मदद और इनकी अपनी कोशिश का ही परिणाम है, और ये सचमुच बहुत ही सुखद स्थिति है। भविष्य में भी यही सिलसिला जारी रहेगा, हम इस बात पर पूरी तरह से यकीन कर सकते हैं। मनरेगा से न सिर्फ फुल्लूबाई बल्कि गांव के अन्य जरूरतमंद कामगारों की जिंदगी में भी बदलाव शुरू हुआ। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि अकुशल काम की इच्छा रखने वाले हर जॉब कार्ड धारक ग्रामीण को गारंटी के साथ काम दिया जाए, साथ ही नियम के मुताबिक मजदूरी का भुगतान भी किया जाए। आवेदन करने पर फुल्लूबाई का जॉब कार्ड भी तैयार करके उसे सौंपा गया। अब उस नियम के मुताबिक साल में कम से कम 100 दिन का काम मिल सकता था। और भी बहुत से ग्रामीण जिनके जॉब कार्ड नहीं बने थे वो भी इसके हकदार बने। महात्मा गांधी नरेगा के शुरुआती वर्षों में सामुदायिक प्रयोग की भूमि पर कार्य किए गए। ऐ मेरी जोहरत भी तुझे मालूम नहीं, दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। गीतांजलि रोजाना सुबह 9:30 पर। आपको तो अपनी जमींदारी की चिंता है, छोटा सा स्कूल हमारे अनुदान पर चलता है। तेरे बाबूजी हजारों में एक थे, बल्कि लाखों में एक। मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊँ। आओ चले गांव में प्यार की छांव में। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात,
देश के हर रंग की, बात राज्यों की, सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर। पृथ्वी से जुड़े दिलचस्प राज, जीवन और जीव का इतिहास, बदलते पर्यावरण का प्रभाव, जैव विविधता का संरक्षण, धरती से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कहानी धरती की, शनिवार और रविवार सुबह 11:30 पर। तो देखा आपने कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए कैसे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं और भी ज्यादा सशक्त हुई हैं। उनके अंदर एक नया आत्मविश्वास जगा है, जिससे उनके घर परिवार और समाज के बीच उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के बीच एक ऐसा ही आत्मविश्वास जगाया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम ने। तो आइए देखते हैं ऐसी ही एक सफलता की कहानी। हमारा ये सफर है ग्रामीणों के प्रयासों, सामूहिक भागीदारी के तहत की गई उनकी कोशिशों और भारत सरकार द्वारा इस दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों का जायजा लेने का। ये कहानी फुल्लूबाई की है, जो एक दूरस्थ क्षेत्र के छोटे से आदिवासी बहुल गांव में रहती है। गांव का नाम है गोराखार। फुल्लूबाई विधवा महिला है। पति की मृत्यु के बाद उसके सामने रोजी रोटी की गंभीर समस्या उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसका जमीन का छोटा सा टुकड़ा लगभग बंजर था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उसे दूसरे के खेतों में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। जब खेती का समय नहीं होता तो उसे काम के लिए पास के दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता। ऐसे में जिंदगी की राह बहुत कठिन थी। कुछ साल पहले फुल्लूबाई की जिंदगी में बदलाव की उम्मीद नजर आई। गांव के सरपंच ने उसे न सिर्फ महात्मा गांधी नरेगा के बारे में बताया, बल्कि काम करने के लिए भी कहा। मनरेगा से न सिर्फ फुल्लूबाई बल्कि गांव के अन्य जरूरतमंद कामगारों की जिंदगी में भी बदलाव शुरू हुआ। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के तहत ये सुनिश्चित किया जाता है कि अकुशल काम की इच्छा रखने वाले हर जॉब कार्ड धारक ग्रामीण को गारंटी के साथ काम दिया जाए, साथ ही नियम के मुताबिक मजदूरी का भुगतान भी किया जाए। आवेदन करने पर फुल्लूबाई का जॉब कार्ड भी तैयार करके उसे सौंपा गया। अब उस नियम के मुताबिक साल में कम से कम 100 दिन का काम मिल सकता था। और भी बहुत से ग्रामीण जिनके जॉब कार्ड नहीं बने थे, वो भी इसके हकदार बने। महात्मा गांधी नरेगा के शुरुआती वर्षों में सामुदायिक प्रयोग की भूमि पर कार्य किए गए। खेती भूमि की सिंचाई के लिए चेक डैम्स का निर्माण किया गया, जल संग्रहण के लिए टैंक बनाए गए और खेतों तक जल पहुंचाने के लिए जल नालियों का निर्माण किया गया। इन सब का मकसद ये था कि जमीन की उर्वरता बढ़े, अधिक उत्पादन हो और हरियाली में बढ़ोतरी हो। जॉब कार्ड बनने के बाद फुल्लूबाई ने अन्य ग्रामीणों के साथ ही मनरेगा के विभिन्न कार्यों में काम किया। पहले साल में उसके काम करने के दिनों की संख्या 60 रही और दूसरे साल उसने अपनी इच्छा के मुताबिक 70 दिन काम किया। महात्मा गांधी नरेगा में ये सुनिश्चित किया जाता है कि कामगार को राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक मजदूरी का समय पर पूरा भुगतान किया जाए। मनरेगा में काम करके फुल्लूबाई को आर्थिक रूप से मजबूती मिली। अब उसे यकीन था कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर लेगी। मनरेगा के कारण ही उसे गांव से शहर की ओर पलायन नहीं करना पड़ा। फुल्लूबाई की जिंदगी में एक नई खुशी का पैगाम तब आया जब ग्राम सभा की मीटिंग में उसे इस बात की जानकारी मिली कि सरकार आदिवासी क्षेत्र में निजी भूमि पर भी मनरेगा के द्वारा विकास कार्य करवा सकती है और इसके लिए उसकी जमीन के बंजर हो चले टुकड़े को भी चुना गया है। जल्द ही उसकी जमीन पर कुएं का निर्माण किया गया। उसे हमें काम भी मिल गया और उसके बाद हमें कुआं भी प्राप्त हो गया, जिससे हमें बहुत फायदा हुआ। कुआं बनने के बाद फुल्लूबाई की जमीन में पानी की कमी पूरी हुई।
और वो अपने खेत में गेहूं और सीजन के मुताबिक सब्जियां उगाने लगी। इससे उससे अच्छी आमदनी भी हुई। जब जब उसे समय मिलता वो मनरेगा का काम भी करती और फिर अपनी खेती देखती। ऐसे में आमदनी में इजाफा तो होना ही था। नतीजा, फुल्लूबाई का परिवार खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ा। महात्मा गांधी नरेगा के कार्य के दौरान कार्यस्थल पर पैमाइश द्वारा कार्य तय किया जाता है। एक दिन में कामगारों को निश्चित पैमाइश के लक्ष्य को पूरा करना होता है। काम की मजदूरी का भुगतान सभी कामगारों में एक समान होता है, यानी महिलाओं और पुरुषों सबको एक ही दर पर मजदूरी दी जाती है। फुल्लूबाई इस बात से खुश है। मनरेगा के नियम के मुताबिक कार्यस्थल पर काम कर रहे कामगारों का रिकॉर्ड मस्टर रोल में लिखा जाता है और साथ ही उसे कामगार के जॉब कार्ड में भी दर्ज किया जाता है। मजदूरी का भुगतान 15 दिन के अंदर बैंक के द्वारा किया जाता है। फुल्लूबाई को इस बात पर गर्व है कि आज उसका खुद का बैंक अकाउंट है। जरूरत के पैसे निकालने के बाद अभी भी उसके अकाउंट में काफी रुपए हैं। आज फुल्लूबाई और उस जैसे बहुत से ग्रामीणों ने अपनी जिंदगी को महात्मा गांधी नरेगा के द्वारा आर्थिक रूप से मजबूत किया है। यही कारण है कि अब इन ग्रामीण क्षेत्रों में न सिर्फ पलायन रुका है, साथ ही विकास की गति भी तेज हुई है। एक दिन चंद्रकला बाई को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसके अच्छे दिन अब आने वाले हैं। उसका अपने पक्के घर का सपना अब पूरा हो सकता है। इसका कारण था इंदिरा आवास योजना के तहत उसके पक्के घर के लिए आर्थिक मदद की सूचना। अब उसका नाम BPL वेटिंग लिस्ट में ऊपर आ गया था। इंदिरा आवास योजना का नियम यही है कि BPL लिस्ट की प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों को अपने पक्के मकान के लिए सहायता दी जाए। सूचना मिलने के बाद चंद्रकलाबाई खुशी से भर उठी। उसने पंचायत तक पहुंचने में देर नहीं लगाई। वहां उसने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की और फिर वो दिन भी आ गया जब उसे अपना मकान बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? जो आहार है वो पशुओं को संतुलित देना चाहिए। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। जो हरी खाद होती है और ढेचा की, वो कितने दिन में तैयार होती है? देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, देखते रहिए किसान समाचार रोजाना शाम 7 बजे। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गर्मी से बचाने का सटीक जवाब दिया है। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट गांव। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को अपना घर मिले, और इसी सपने को पूरा करती है इंदिरा आवास योजना। ये एक ऐसी योजना है जो BPL परिवारों में अपना घर होने की उम्मीद जगाती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे इंदिरा आवास योजना के जरिए कुछ चेहरों पर मुस्कान आई है। एक छोटे से गांव में रहने वाली ये महिला चंद्रकला बाई है। इसकी जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी रही। रात दिन की मेहनत और तमाम कोशिशों के बाद भी उसे घास फूस और मिट्टी के बने टूटे फूटे कच्चे घर में रहने के लिए विवश होना पड़ा। जब पेट भरने भर की कमाई भी ना हो तो घर कैसे बने? हम देखो बहुत गरीब परिस्थिति में थी पहले, बहुत हम परेशानी थे, बहुत ऐसे रहते थे हम कि हमारे को रहने को व्यवस्था नहीं थी,
पाल पर्दे में रहते थे, पानी आता था पूरा अंदर घुस जाता था, जो भी बनाने रखने की धरने की मिट्टी का बर्तन जो बनाते थे सब घुल जाते थे। एक दिन चंद्रकला बाई को भी इस बात का एहसास हुआ कि उसके अच्छे दिन अब आने वाले हैं, उसका अपने पक्के घर का सपना अब पूरा हो सकता है। इसका कारण था इंदिरा आवास योजना के तहत उसके पक्के घर के लिए आर्थिक मदद की सूचना। अब उसका नाम BPL वेटिंग लिस्ट में ऊपर आ गया था। इंदिरा आवास योजना का नियम यही है कि BPL लिस्ट की प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों को अपने पक्के मकान के लिए सहायता दी जाए। सूचना मिलने के बाद चंद्रकला बाई खुशी से भर उठी। उसने पंचायत तक पहुंचने में देर नहीं लगाई। वहां उसने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की और फिर वो दिन भी आ गया जब उसे अपना मकान बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई। अब चंद्रकला बाई को मकान बनाने का काम शुरू करना था। नियम के मुताबिक उसने खुद अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मकान का निर्माण शुरू किया। जरूरत पड़ने पर रिश्तेदारों ने भी उसकी मदद की और फिर 7 महीने में उसका अपना पक्का मकान बनकर तैयार हो गया। उसके घर तक बिजली भी नियम के मुताबिक पहुंचाई गई। घर में बिजली आने पर उसे खुशी थी कि अब उसके बच्चों को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। आज चंद्रकला बाई आत्मनिर्भर है और साथ ही इस बात से खुश भी है कि अब उसके परिवार में कोई परेशानी नहीं है। घर बनने के बाद चंद्रकला सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर बन चुकी है, यानी जिंदगी की गाड़ी खुशहाली के रास्ते पर चल पड़ी है। विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की विकास की कहानी के जरिए हमारा प्रयास है कि सरकार द्वारा विकास की सही नीतियां आप तक पहुंचे ताकि आप अपने गांव के विकास में पूर्ण योगदान दे सके। विकास की कई और कहानियों के साथ अगले एपिसोड में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।